देश में बदलते वक्त के साथ नारी की भूमिका भी बदली है। अब महिलाएं घर की चार दीवारी में बंद होकर बैठने को मजबूर नहीं हैं। वो घर से निकलकर सीमा की सुरक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। अर्धसैन्य बलों में शामिल होने के लिए महिलाओं ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। तभी तो 5 सालों में वो आंकड़ा सामने आया है जिसने देश का मान बढ़ाया है, स्त्री को भी फौजी कहलाने का अवसर दिलाया है। जमीन से लेकर आसमान तक, देश से लेकर विदेश तक नारी भर रही है कामयाबी की वो उड़ान, जिससे मिल रही है उसे नई पहचान। अब महिला मजबूरी नहीं बल्कि बन गई है मजबूती का दूसरा नाम। तभी तो घर संभालने वाली स्त्री अब निकल पड़ी है देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। वतन के वास्ते सीना ताने नए जोश और जज्बे के साथ महिलाएं भारी संख्या में अर्धसैन्य बलों में शामिल हो रही हैं। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि अर्धसैन्य बलों में पिछले 5 सालों में महिला कर्मियों की संख्या काफी बढ़ गई है। महिला कर्मियों की संख्या फरवरी 2016 में 20,568 थी, लेकिन अगस्त 2021 तक ये बढ़कर 34,778 हो गई। करीब 14,210 अतिरिक्त महिलाओं को 5 सालों की अवधि में अर्धसैन्य बलों में नियुक्त किया गया। वहीं महिलाओं के बुलंद इरादों को देखते हुए गृह मंत्रालय से संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि जागरूकता के साथ स्कूल स्तर से ही बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले बलों और अन्य सुरक्षा बलों में ज्यादा संख्या में भर्ती किया जा सके। वहीं सरकार ने समिति को बताया है कि नियुक्तियों का प्रचार प्रसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है। यहां तक कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की फीस माफ की गई है। फिजिकल मानक परीक्षण यानी PST और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी PET में कुछ बदलाव किया गया है। महिलाओं को मैटरनिटी लीव के साथ साथ कुछ और छुट्टियां भी दी गई हैं। क्रेच और डे केयर सेंटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। महिलाओं के शिकायत निवारण के लिए समितियों का गठन भी सुरक्षा बलों में किया गया है। अब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है, जिससे उनमें जागरूकता आ रही है। तभी तो स्त्री भी खाकी वर्दी पहन सीमा पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए कदम बढ़ा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।